हेलो, मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनने। आज के इस वीडियो के अंदर हम टेलनेट देखने वाले हैं, लेकिन इस टेलनेट प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते वक्त हम स्विचेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, हमने टेलनेट राउटर के ऊपर किस तरह से कॉन्फ़िगर करना वो भी देख लिया था, और आज हम टेलनेट देखेंगे स्विचेस के ऊपर कॉन्फ़िगर करना। हालांकि काफ़ी सारी कमांड सेम है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक दो कमांड एक्स्ट्रा है, तो चलिए उसे भी हम देख लेते। डायरेक्टली प्रैक्टिकल सीनारियो को स्टार्ट करते वक्त टेलनेट क्या होता है इसके बारे में आपके साथ डिस्कस किया है। टेलनेट एक रिमोट एक्सेसिंग प्रोटोकॉल है जो कि पोर्ट नंबर 23 पे काम करता है। लेस सिक्योर है, पैकेट जब ट्रांसफ़र होगा तो वो लेस सिक्योर ट्रांसफ़र होगा, एंड रेस्ट थिंग्स एज इट इज़ सेम। ओके, बट अब इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में मैं स्विचेस का स्पेसिफिकली इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो देखिए, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो मेरे पास मुंबई से लेके ठाणा, देन कल्याण, देन नासिक एंड देन पूना, कुल मिला के 5 ब्रांचेस है, और हर ब्रांच के अंदर कम से कम 2 अलग अलग नेटवर्क है जो स्विचेस के साथ कनेक्टेड है। जैसे कि अगर मैं मुंबई की बात करता हूँ तो /8 से कनेक्टेड एक नेटवर्क है, उसी की बात मुंबई का /9 से भी कनेक्टेड नेटवर्क है। सो कॉल थाना के पास भी 2 अलग अलग नेटवर्क है जो अलग अलग स्विच के साथ कनेक्टेड है। पहली बात एक आप जान लीजिए, स्विचेस को सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेस समझ में आते हैं, मतलब स्विचेस ओनली वर्क्स ऑन योर मैक एड्रेसेस। जब आप टेलनेट और SSH की बात करते हो ना, इसका मतलब कि आप IP के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहते हो। मीन्स अगर आप स्विचेस के साथ काम करो तो स्विचेस मैक एड्रेस में जाकर IP उसे समझ में डायरेक्टली नहीं आती। ओके, तो अगर हम इसे कॉन्फ़िगर कर लेना तो फिर भी स्विचेस बराबर से कम्युनिकेशन कर नहीं पाएंगे, अनटिल एंड अनलेस जब तक मैं उसके ऊपर VLANs के रिलेटेड IP एड्रेस असाइन ना करूँ। अब VLANs होता क्या है, उसके साथ किस तरह से काम करते हैं, ये हमारे स्विचेस के पोर्शन में आप इन डिटेल समझ में आ लो। फिलहाल के लिए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं ठाणा राउटर की तरफ जाने वाला हूँ, तो चलो ठाणा को हम थोड़ा नीचे की तरफ खींच लेते हैं ताकि ये बराबर से नज़र आए। ओके, दैट्स बेटर, नाउ यू कैन सी। अब मेरे पास थाना की तरफ 2 नेटवर्क है, एक नेटवर्क काम कर रहा है 172.248.0.0/40 पे, दूसरा नेटवर्क काम कर रहा है 172.128.0.0/10 पे। ओके, रिस्पेक्टिवली एक थाना का स्विच कनेक्टेड है 40 के नेटवर्क को, और दूसरा थाना का स्विच कनेक्टेड है मेरे 10 के नेटवर्क को। तो चलो मैं सबसे पहले इस थाना 2 पे, मतलब जो 40 के नेटवर्क पे कनेक्टेड स्विच है ना, उसके ऊपर मैं आपको डबल क्लिक करके दिखा दूँ। नाउ यू कैन सी, ऑफकोर्स ये मेरा एक स्विच है जो कि मेरा कैटलिस्ट 2950 सीरीज का स्विच है, जो कि आपका 24 पोर्ट्स का फास्ट ईथरनेट का पोर्ट स्विच है। नाउ अब देखिए, इस पर्टिकुलर स्विच के जितने भी पोर्ट्स हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट VLAN 1 के अंदर आते हैं। VLAN मतलब एक तरह का कलेक्शन ऑफ योर पोर्ट्स, जहाँ पे आप एक PC की इंफॉर्मेशन दूसरे PC में ट्रांसफ़र कर सकते हो। VLAN अगर एक रहा तो उस पर्टिकुलर स्विच पे कनेक्ट होने वाले कोई भी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर VLAN नंबर अलग अलग रहे, मतलब कि मान लो मेरे इस पर्टिकुलर स्विच के पहले 8 पोर्ट एक अलग VLAN में है, दूसरे 8 पोर्ट एक अलग VLAN में है, तो क्या होगा, जो VLAN अलग अलग है ना, उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। सो एक VLAN की इन्फॉर्मेशन सिर्फ इंटर VLAN वाले डिवाइसेस से एक्सेस कर सकते हैं, किसी और VLAN से रिलेटेड डिवाइसेस एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके, सो चलो मैं अपने इस पर्टिकुलर स्विच के CLI मोड पे आ रहा हूँ। नाउ एज यू कैन सी, ये मेरा थाना का स्विच है। यहाँ पे अगर मैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ ये कमांड टाइप करो ना, तो यू कैन सी मेरे पास काफ़ी सारे पोर्ट्स आ रहे हैं, फास्ट इथरनेट 0/1 से लेके फास्ट इथरनेट 0/24 तक, मतलब कि ये सभी के सभी पोर्ट्स, जिसमें से कौन से पोर्ट कनेक्टेड है कौन से नहीं है उसके बारे में जानकारी आपको क्लियरली नज़र आ रही है। साथ ही साथ अगर मैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके चेकआउट करूँ, नाउ यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ होस्ट नेम दिया गया है, बाद में फास्ट पोर्ट से रिलेटेड जानकारी, और उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि VLAN से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ना ही उसे IP एड्रेस असाइन है, ना ही वो पर्टिकुलर पोर्ट अप एंड रनिंग है। ओके, सो क्विकली स्टार्ट करते हैं हमारे हमारे टेलनेट सिनेरियो को ऑन अ स्विच साइड। सो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने उस पर्टिकुलर थाना स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पर जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक यूज़र नेम क्रिएट करेंगे, फिर से यूज़र नेम में वही रखने वाला हूँ गणेश, जिसका पासवर्ड रहेगा CCNP। बाद में हम यहाँ पे कहेंगे इनेबल सीक्रेट
CCNA, देन मुझे टाइप करना लाइन VTY 024, देन लॉग इन लोकल, कंट्रोल जेड करके बाहर आ गए। सो मैंने सबसे पहले क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पर गया। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पर जाने के बाद मैंने यहाँ पे जो कमांड रन की थी वो थी, फर्स्ट कमांड मेरा यूज़र क्रिएट करना, सेकंड कमांड मेरा एनेबल सीक्रेट को पासवर्ड देना जो कि CCNA था। देन मैंने लाइन VTY पे गए 024, मतलब कुल मिला के 5 वर्चुअल लाइंस ओपन की। देन मैंने यहाँ पे कहा लॉग इन लोकल एंड फाइनली एग्जिट करके मैं बाहर आ गया। ओके, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके चेक कर लीजिए जो कुछ हमने सेटिंग की थी वो बराबर से नज़र आ रही है नहीं। यस, एनेबल सीक्रेट का पासवर्ड जो था मेरा CCNA जो कि इनक्रिप्ट फॉर्म में नज़र आ रहा है, यूजर नेम गणेश उसका पासवर्ड CCNP, देन लाइन VTY एंड अदर इन्फॉर्मेशन। देन इतना हो जाने के बाद अगर यहाँ पे मैं कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप कर दूँ जो कि मेरे स्विचेस की इन्फॉर्मेशन सब मैंने सेव कर लिए, अब मैं अपने PC साइड पे आने वाला हूँ। सो यू कैन सी मैंने यहाँ पे ठाना का जो सेकंड स्विच था उसके साथ बेसिक सेटिंग कर ली है टेलनेट से रिलेटेड। अब मैं अपने लैपटॉप से उसे एक्सेस करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने पहले कहा था स्विचेस को मैक एड्रेस नहीं समझ में आते, IP एड्रेस वो समझ नहीं पाता। तो अगर मुझे टेलनेट करना रहा या फिर मुझे SSH भी करना रहा ना, तो मुझे उस पर्टिकुलर स्विच को एक एड्रेस देना ज़रूरी है, और वो एड्रेस हम किसे देंगे, उस पर्टिकुलर स्विच के VLAN को। सो शो VLAN ब्रीफ, तो मैं अपने स्विच पे फिर से आ चुका हूँ। स्विच पे आने के बाद यू कैन सी मेरे पास कुल मिला के 5 VLANs तो है, लेकिन उसमें से जो मेरा नंबर 1 VLAN है ना वो डिफ़ॉल्ट VLAN है, और इस VLAN का स्टेटस फिलहाल क्या है, एक्टिव। और कुल मिला के फास्ट इतने 0/1 से लेके 24, मतलब जितने भी फिजिकल पोर्ट से ऑफ दैट स्विच वो बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 में कनेक्टेड है। तो अगर मुझे अपने डिवाइसेस के थ्रू स्विच को अगर टेलनेट या फिर SSH करना रहा ना, तो मुझे VLAN को IP देना ज़रूरी है। इन माय केस शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके अगर मैं आपको कमांड दिखाऊँ, यू कैन सी मेरे इस पर्टिकुलर VLAN को किसी भी तरह का एड्रेस असाइन नहीं है। अब हम एड्रेस कौन सा देंगे, एड्रेस हमें वही देना है जिस पर्टिकुलर नेटवर्क में वो स्विच बिलोंग करता है। जैसे कि ये पर्टिकुलर स्विच बिलोंग कर रहा है 172.248.0.0/14 के नेटवर्क को, तो IP भी उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो चले हम इस पर्टिकुलर स्विच को IP देंगे 172.248.0.100/24। सो लेट्स स्टार्ट, मैं अपने स्विच साइड पे आ गया। स्विच पे आने के बाद कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे मुझे फिर से जाना है, यहाँ पे मुझे लिखना है इंटरफेस ? नाउ कैन सी हमने अब तक इंटरफेस इथरनेट देखा, हमने फास्ट इथरनेट देखा, हमने गीगाबिट देखा, अब मुझे इंटरेस्ट किस में है, VLAN के अंदर। सो मैं यहाँ पे कहूँगा इंटरफेस VLAN, देन कौन सा VLAN नंबर, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास VLAN नंबर 1 को IP एड्रेस असाइन हो जाए। क्यों, क्योंकि यू कैन सी मेरे जितने भी एक्टिव पोर्ट्स है ना वो VLAN नंबर 1 के ही अंदर है, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू चूज VLAN नंबर 1। सो मेरी फर्स्ट कमांड रहेगी इंटरफेस VLAN नंबर 1, देन एंटर देने के बाद यू कैन सी मैं conf पे आ चुका हूँ। अब मुझे लिखना है IP ADR, IP एड्रेस दे, कौन सा एड्रेस देगा, उस पर्टिकुलर नेटवर्क से बिलोंगिंग। सो मैं जिस पर्टिकुलर स्विच पे काम कर रहा हूँ वो स्विच का नेटवर्क सामने रहा 172, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम नेटवर्क में से IP असाइन करने वाले जो कि रहेगा 172.248.0.100? अब मुझे पूछा रहा कि उस पर्टिकुलर नेटवर्क का सबनेट मास्क, सो यू कैन सी उस पर्टिकुलर स्विच से रिलेटेड जो नेटवर्क है उसका सबनेट मास्क है 255.252.0.0 जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। देन प्रेस एंटर, बाद में नो शट करके आप उस पर्टिकुलर स्विच को VLAN के पोर्ट को अप कर दीजिए। नाउ यू कैन सी मुझे एक मैसेज आ चुका है, द स्टेटस इज चेंजिंग अप, कंट्रोल सेट करके बाहर आ गए। शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके फिर से एक बार चेक कर लेंगे। नाउ यू कैन सी उस पर्टिकुलर VLAN को एड्रेस हमने दे दिया है। फाइनली कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप। सो नाउ इट्स टाइम फॉर टेस्टिंग, मैं अपने लैपटॉप पे आ गया। हालांकि वो लैपटॉप या फिर वो हार्डवेयर या वो डिवाइसेस उस स्विच के साथ कनेक्टेड ही होने चाहिए। सो मैं अपने लैपटॉप पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे IP config ये कमांड रन करूँगा। यू कैन सी इस पर्टिकुलर लैपटॉप का जो IP है वो है 172.248.0.4। मुझे सबसे पहले पिंग करना है 172.248.0.100, मतलब उस स्विच को। अगर रिप्लाई आ रहा है
इसका मतलब क्या, मैं उसके साथ टेलनेट कर सकता हूँ। सो फर्स्ट पैकेट रिक्वेस्ट टाइम आउट, सेकेंड पैकेट के रिप्लाई आ रहे हैं। चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। ओके इन सेकंड अटेम्प्ट यू कैन सी सभी के सभी पैकेट यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं। इसका मतलब वो पर्टिकुलर स्विच अब टेलनेट के लिए रेडी है। तो यहाँ पे मुझे लिखना है टेलनेट। टेलनेट करने के बाद उस पर्टिकुलर स्विच के वीलैन को जो हमने आईपी दिया था ना, वो एड्रेस मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। यू कैन सी कनेक्शन ओपन हो चुका है। अब मुझे पूछा जा रहा है यूज़र नेम, कौन सा यूज़र नेम जो हमने स्विच के लिए कॉन्फिगर करते वक्त रखा था, जो नाम था गणेश और जिसका पासवर्ड था CCNP। अब देखो यू कैन सी TNA स्विच 01 एनेबल। अब CCNA नाउ यू कैन सी आई एम ऑन माय स्विच बाय यूजिंग टेलनेट फ्रॉम माय लैपटॉप साइड। सो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके चेकआउट कर लीजिए। यस फाइनली शो यूजर्स करके चेक कर सकते हो। यू कैन सी गणेश नाम का यूज़र पीसी से कनेक्टेड है। ओके एग्जिट करके बाहर आ गए। चलो इस प्रैक्टिकल को मैं आपको क्विकली परफॉर्म करके देने वाला हूँ बट ऑन माय अनदर स्विच। सो चलो यहाँ पे मैं अपने मुंबई स्विच को लेने वाला हूँ। सो मुंबई का ये जो सेकंड स्विच है उस पर्टिकुलर सेकंड स्विच का नेटवर्क है 172.0.0.9 वाला। सो लेट्स स्टार्ट। स्विच पे आ गए। ओके स्विच पे आने के बाद सबसे पहले मुझे यहाँ पे एनेबल टाइप करना है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाना है, यूज़र नेम सेट कीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पे देने वाला हूँ गणेश, जिसका पासवर्ड मेरा रहेगा CCNP, एनेबल सीक्रेट जो रहेगा आपका CCNA, आप चाहे तो चेंज कर सकते हो। देन मुझे यहाँ पे टाइप करना है लाइन VTY0242 ऑन कर, लॉग इन लोकल, एग्जिट करके बाहर आना है। एंड जबकि ये VLAN से इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस VLAN 1, बाद में कहना पड़ेगा IP एड्रेस। अब ये पर्टिकुलर मुंबई का स्विच जिस नेटवर्क में बिलोंग कर रहा है ना, वो नेटवर्क आईडी है 172.0.0.0/9 वाला, जिसमें से मैं चाहता हूँ कि उसको एड्रेस मिले 200 और जिसका सबनेट मास्क है 255.128.0.0। यू कैन सी ओवर हियर। ओके देन फाइनली नो शट करके मैं उस पर्टिकुलर VLANs को अप कर रहा हूँ। इतना हो जाने के बाद शो रनिंग करके आप कॉन्फ़िगरेशन को एक बार चेक कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आ चुका है। फाइनली कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप, दैट्स इट। अब करना क्या है, मुझे उस पर्टिकुलर स्विच से कनेक्टेड कोई भी डिवाइस, चाहे वो PC हो, लैपटॉप हो या सर्वर हो, उसको ऑन करना है। सो मैं अपने सर्वर साइड पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के बाद सबसे पहले इस सर्वर का एड्रेस देख लेंगे, वो पर्टिकुलर उसी नेटवर्क में बिलोंग होना चाहिए जो कि है। फिर हम अपने स्विच को पिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन IP जो हमने दिया था 200। फर्स्ट पैकेट शायद से लॉस होगा बट सेकंड पैकेट से मुझे रिप्लाई आना शुरू हो रहा है। सो यू कैन सी सेकंड थर्ड और फोर्थ पैकेट सक्सेसफुली रिसीव और सेंड हो चुके हैं। देन अब हम यहाँ पे करेंगे टेल नेट। टेल नेट करने के बाद उस पर्टिकुलर स्विच की तरफ असाइन किया हुआ VLAN का एड्रेस दिया। बाद में मुझे पूछा गया यूज़र नेम, यहाँ पे मैंने टाइप किया गणेश, जिसका पासवर्ड रखा था CCNP। एनेबल करने के बाद यू कैन सी आई एम ऑन मुंबई स्विच 02। एनेबल करने के बाद एनेबल मोड का पासवर्ड था CCNA। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो मैं अपने सर्वर के थ्रू स्विच को एक्सेस ले पा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ। तो आज हमने देखा टेलनेट कॉन्फ़िगर करना ऑन अ स्विच साइट। यहाँ पे सिर्फ आपको VLAN की एक एक्स्ट्रा कमांड रन करनी पड़ती है। आने वाले वीडियो में हम SSH देखेंगे स्विच की तरफ कॉन्फ़िगर करना। तब तक के लिए मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनने। आने वाले वीडियोस के लिए हम ज़रूर मिलेंगे हमारे YouTube चैनल के ऊपर। स्टिल देन बाय।